नमस्कार, हम ही आपको दोस्त अंकित तिवारी। आप लोगों के बताइए कि 2016 स्टैनफोर्ड हिस्ट्री एजुकेशन ग्रुप द्वारा एक जौन रिपोर्ट आई, वो हमन बतावा गया कि 80% छात्रन की खबर विज्ञापन में फ़र्क नहीं बतावा। कितना आश्चर्य की बात है, चिंता का विषय है। आप लोग समझें कि जब छात्रन के नहीं बतावा तो आम आदमी के कैसे पता होगी। खबर जौन हो था वो द्विपक्षी होता, कोनो भ्रष्टाचार का मामला बा, कोनो सार्वजनिक जनहित का विषय है, वो सब खबर में आवत है। और जौन एक प्रकार से पेड होता, पेड न्यूज, वो है विज्ञापन। चुनाव में जौन भी इंटरव्यू वगैरह होता है वो विज्ञापन ही होता। आज डिजिटल जमाने में तमाम पोर्टल यूट्यूब आई जो आवा, ग्रामीण क्षेत्रन में यही देखे के मिला था, वो विज्ञापन चलावत हन, कहत हन खबर है, एक पक्षी खबर ओके बनाई दहन पैसा लेके कहन खबर है। हमेशा ये चीज़ नोटिस करें कि जौन खबर होत है वो एक पक्षी कभी नहीं होते, क्योंकि निजी मामले में केव हस्तक्षेप नहीं करत। कोनो निजी कार्यक्रम है केव को पॉजिटिव, वो विज्ञापन है। अब आपके बताई कि बड़े अखबारन में, ग्रामीण क्षेत्रन में ज़्यादातर विज्ञापन ही रहत हो, वो पैसा लेके खबर बनाव थी, प्रचार करत थी, या उनका आई कार्ड इशू हो गया, उनके लिखे के सहूल नहीं बा, वो अपने आप के पत्रकार कहत हैं। एक लाइन वहाँ पूछ ले तो लिख न पही, वो कहीं हम पत्रकार हैं, विज्ञापन प्रतिनिधि हैं। दुई दिना बीते कोनो मैटर उनका बनाए न पहुँच गया, कहने आप विज्ञापन वाला हाई दे। यही होता कोनो पोर्टल में लगावा उनकर खबर, वही कॉपीराइट कह के दूसर क्यों लगाई रहे अपन नीचे नाम लिख के। एक जमाना रहा कि जब बाई लाइन चलत रही कहो कि यार आज स्पेशल हमारी स्टोरी बनी बा, इन्हें हमार बाई लाइन हमारे नाम से खबर चली है। आज तो पोर्टल में सबको नामों में चलता, जब उन भी लगाऊँ सब नाम बा, दूसरे के कॉपी कह के लगाएँ कहें ये हमारे नाम से लगाए दो। तो क्या आप समझें कि खबर और विज्ञापन ये है। अगर आपकी हमारी छोटा सा जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और तो कमेंट बॉक्स में आपको प्रतिक्रिया दें।